नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आपका अपना चैनल अविगना यूनिवर्सल रेमेडीज। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि मेरा भी इस चैनल को बनाने का मकसद क्या है। मैंने यह चैनल इसलिए बनाया कि आज की मॉडर्न लाइफ में जो बिजी शेड्यूल है, जिसके चलते हुए हमारी यंग जनरेशन हमारी सनातन और हमारी हिंदी संस्कृति से दूर होती जा रही है और यह काफी ज्यादा लुप्त होती जा रही है। तो इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने यह शुरुआत की है और आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए, शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आज का विषय यह है कि भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता क्यों कहा जाता है। गणेश का अर्थ है गणों के ईश अर्थात गणों के स्वामी, इसीलिए भगवान श्री गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है ताकि उनके गण या अन्य देवता हमारे पूजा पाठ या अन्य किसी भी कार्य में किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा ना उत्पन्न करें। इसीलिए किसी भी पूजा आराधना जप अनुष्ठान या पूजा अनुष्ठान को करने से पहले इस मंत्र श्री गणेशाय नमः का जप करने के बाद यह मंत्र कहा जाता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभव निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वथा। इसका अर्थ है कि हे विशाल आकार वाले, टेढ़ी सूंड वाले और करोड़ों सूर्य के तेज वाले भगवान देवता श्री गणेश जी, आपको हमारा नमस्कार है। आप हमारे सभी कार्यों को निर्विघ्नता पूर्वक अर्थात सभी विघ्न बाधाओं से दूर करें और हमारे सभी कार्यों को पूर्ण करें। तो चलिए, इससे जुड़ी हुई मैं एक और कथा आपको बताता हूँ जो शिव पुराण में जिसका वर्णन है। एक बार सभी देवता भगवान शंकर जी के पास गए और वहां जाकर उन उनसे पूछने लगे कि हे प्रभु, हे देवादि देव महादेव, सर्वप्रथम पूज्य देवता कौन होना चाहिए जिसकी पूजा सर्वप्रथम की जाए। तो इस विषय में भगवान शंकर जी ने सभी देवताओं के लिए एक प्रतियोगिता रखी। उस प्रतियोगिता के अनुसार जो कोई देवता भी इस पूरी पृथ्वी के तीन चक्कर लगाकर पुनः कैलाश लौट आएगा वही सर्वप्रथम या अग्र पूज्य होगा, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी का वाहन मूषक है और उनका शरीर स्थूल है, इसीलिए उनके वाहन की धीमी गति होने के कारण वह पूरी पृथ्वी के तीन चक्कर कैसे लगा पाते। इसीलिए भगवान श्री गणेश जी ने अपनी बुद्धि का और अपने चातुर्य का प्रयोग करके वहीं पे अपने माता पार्वती जी और पिता महादेव जी के तीन चक्कर लगाकर उनके पास चले गए। इससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ जी ने उन्हें प्रथम पूज्य देव घोषित किया और बताया कि आपसे ज्यादा चतुर देवता और कोई नहीं है। सो ये इस कथा का महत्व है और इसी लिए भगवान श्री गणेश जी को सर्वप्रथम कहा जाता है, क्योंकि माता पिता पूर्ण तीनों लोक होते हैं और गणेश भगवान जी ने तीनों लोकों का ही भ्रमण कर लिया। हालांकि कहा गया था कि सिर्फ पृथ्वी का ही भ्रमण करना है और भ्रमण करके वापिस आना है, तो अपने बुद्धि और चातुर्य की वजह से भगवान श्री गणेश जी तब से प्रथम पूज्य देवता कहलाए। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मूर्ति।